नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड में ऐसे कई ऑन स्क्रीन कपल्स हैं जिनकी जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आती है। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी हो या फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की, लोग इन जोड़ियों को काफ़ी पसंद करते हैं। यही वजह है कि इन स्टार्स की जोड़ी हमने कई फिल्मों में साथ देखी। लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की वर्स्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी जोड़ियाँ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। देखिए जरा ये रिपोर्ट। अक्षय कुमार और सोनम कपूर। अक्षय करीना से लेकर कटरीना के साथ फिल्मों में काम कर चुके हैं। देखा जाए तो अक्षय एक ऐसे एक्टर हैं जो हर एक्ट्रेस के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन सोनम कपूर के साथ अक्षय की जोड़ी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जी, दोनों ने एक साथ फिल्म थैंक यू में काम किया था। इसके बाद दोनों पैडमैन में भी नजर आए, लेकिन दोनों के बीच जब रोमांस की बात आती है तो लोगों को ये जोड़ी कुछ खास पसंद नहीं आती। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कटरीना कैफ। बार बार देखो फिल्म तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसकी ना ही लोगों को स्टोरी लाइन समझ आई और ना ही उन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कटरीना कैफ की जोड़ी कुछ खास पसंद आई। दोनों की फिल्म में केमिस्ट्री तक नहीं दिखाई दी थी। इस फिल्म के बाद दोनों किसी भी फिल्म में साथ नजर नहीं आए। सलमान खान और सोनम कपूर। हर कोई जानता है कि दोनों एक ही फिल्म में साथ नजर आए थे जिसका नाम था प्रेम रतन धन पायो। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही अच्छा खासा बिजनेस किया, लेकिन दोनों की जोड़ी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। इमरान खान और सोनाक्षी सिन्हा। वंस अपॉन अ टाइम 2 में इमरान खान और सोनाक्षी सिन्हा की जोड़ी पहली बार नजर आई थी। इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी क्योंकि इसका पहला पार्ट लोगों को काफी पसंद आया था, लेकिन इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फरहान अख्तर और विद्या बालन। फरहान अख्तर और विद्या बालन की अगर बात की जाए तो इन दोनों ही स्टार्स ने दो फिल्में एक साथ की। एक मल्टी स्टारर फिल्म बॉम्बे टॉकीज जो सेमी हिट थी, वहीं दूसरी फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स जो सुपर फ्लॉप रही। ये जोड़ी बहुत बुरी तरह पिट गई थी। दोनों की जोड़ी लोगों को पसंद नहीं आई थी। इमरान खान और करीना कपूर। एक मैं और एक तू और गोरी तेरे प्यार में इन दोनों ही फिल्मों में इमरान खान और करीना कपूर साथ नजर आए थे। दोनों के एज गैप की वजह से दोनों की ना ही लोगों को फिल्में समझ आई और ना ही जोड़ी। शाहिद कपूर और रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी शाहिद के साथ एक ही फिल्म में नजर आई थी जिसका नाम था दिल बोले हड़िप्पा। दोनों की जोड़ी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जिस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। आमिर खान और ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री फिल्म मेला के बाद छोड़ दी थी। इस फिल्म में वो आमिर खान के साथ नजर आई थी। दोनों की जोड़ी लोगों को बिल्कुल रास नहीं आई। यही वजह है कि ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। शाहिद कपूर और विद्या बालन। अब बात करते हैं शाहिद और विद्या बालन की। एक फिल्म आई थी किस्मत कनेक्शन, जिसमें विद्या और शाहिद की जोड़ी नजर आई। दोनों के एज डिफरेंस की वजह से ये जोड़ी काफी वियर्ड लगी। दोनों का रोमांस भी लोगों को पसंद नहीं आया। शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा। आपको फिल्म आर राजकुमार तो याद ही होगी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट गई थी। इस फिल्म में ना ही शाहिद सोनाक्षी की एक्टिंग कुछ खास थी और ना ही इनकी जोड़ी। वहीं इनके अलावा लोगों को प्रियंका चोपड़ा और उदय चोपड़ा की फिल्म प्यार इम्पॉसिबल, रणबीर कपूर और पल्लवी शारदा की फिल्म बेशरम, इमरान और कंगना रनौत की फिल्म कट्टी बट्टी में जोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी।